नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब हो जाएं तैयार, आने वाली दो दिनों का समय बड़ा ही कठिन समय आने वाला है। खून की नदियां बहने वाली है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हमारे कहने का अर्थ यह है कि आने वाले दो दिनों का समय आप सभी के जीवनकाल में जो होने वाला है दोस्तों, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी और भयंकर घटना होने वाली है। परंतु दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले दो दिनों के भीतर आप सभी के जीवनकाल में जो ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं, जो ग्रह गोचर बदलाव कर रहे हैं, उनके अनुसार लाभ के बहुत बड़े अवसर मिलने वाले हैं। लेकिन आपको उन्हें अपने हाथ में करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो का निर्माण हमने इसीलिए किया है, इस वीडियो का निर्माण संपूर्ण ग्रह गोचर के आकलन पर किया गया है और दोस्तों ज्योतिष आधार पर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को जो भी जातक ध्यान से देखेगा, उनका आने वाला दो दिन बिल्कुल ही संवर जाएगा। इन दो दिनों में आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, सुनकर आप नाचने लग जाओगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी 3 बार लिखना है। और दोस्तों देखिए, आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको माता रानी एक बड़ी खुशखबरी देंगी जिससे मन आपका प्रसन्न होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं कि आने वाले दो दिनों का समय आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यश में ग्रह गोचर में आपकी कुंडली में शुक्र नाम का शुभ योग का निर्माण होने वाले हैं। साथ ही दोस्तों रवि नाम का भी योग का निर्माण होगा और इसके उपरांत दोस्तों आयुष्मान नाम का राजयोग आप सभी की कुंडली में बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले दो दिनों का समय कोई मामूली समय नहीं है। यश में दोस्तों बुध शुक्र और शनि की स्थिति आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली रहने वाली है और दोस्तों ग्रह गोचर जो प्रभावशील संकेत दे रहे हैं, तो आने वाले दो दिनों का समय आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला समय होगा। परंतु कुछ भयंकर स्थिति भी आपके सामने लाने वाला है, बस उनसे आपको कैसे बचना है, क्या करना है, क्या सावधानी रखनी है। और दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिनसे आप सभी का आने वाले दो दिनों का समय तो बेहतर होगा ही, साथ ही ईश्वर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों आज का यह संपूर्ण वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, लाभकारी रहने वाली है, तो इन्हें भूल कर भी आप मिस मत कीजिएगा और इन्हें अंत तक देखिएगा। बस हम आप सभी से इतना निवेदन करते हैं। तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले दो दिनों का समय आप सभी के जीवन काल में कलयुग का सबसे बड़ा खुशखबरी लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वह दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से। दोस्तों यह ज्ञान आप सभी के जीवन काल के लिए और आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। जो भी जातक आज के इस ज्ञान को समझ जाएगा, दोस्तों यकीन के साथ कहते हैं, वो अपने आने वाले जीवन भर इस बात को भूल नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो बड़े ही ध्यान से आज के इस वीडियो को आप देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा महत्वपूर्ण ज्ञान सबको नहीं मिलता है। जो किस्मत वाले होते हैं उन्हीं के जीवन काल में ऐसे ज्ञान आते हैं। दोस्तों आप तो यह बात जानते हैं कि यह पृथ्वी पूरा ईश्वर से ही चल रहा है। ईश्वर जो चाहते हैं वही लोगों के समक्ष आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज के इस वीडियो का निर्माण हमने जो किया है, लेकिन ये आपके कर्मों पर भी आधारित है, तभी यह वीडियो आप सभी के पास आए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये दोस्तों बात करते हैं कि वह महत्वपूर्ण ज्ञान कौन सा है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान विष्णु के गरुड़ की नज़र एक चिड़िया पर पड़ी, उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे। उन्होंने उस पक्षी को आश्चर्य से देखा, गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है। उनको दया आ गई और चिड़िया को अपने पंजों से दबाकर हजारों कोस दूर जंगल में जाकर वापस छोड़ आए। जी दोस्तों, और कैलाश आ गए। यमदेव कैलाश से बाहर आए और गरुड़ से पूछा कि उन्होंने चिड़िया को आश्चर्य से क्यों देखा था। तो यमदेव बोले, जब मैंने चिड़िया को देखा तो ज्ञात हुआ कि उसे कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर नाग खा लेगा। मैं सोच रहा था वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगा, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए कि मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी चतुराई रच जाए। संगत जी पूर्ण संत ने नाम लेकर भजन सिमरन शुरू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ना जाने मौत का बुलावा कब आ जाए। जी हाँ दोस्तों, तो
तो दोस्तों आज का यह महत्वपूर्ण ज्ञान अगर आपको समझ में आई हो या पसंद हुआ हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों से की साथ बात करते कि आने वाले दो दिनों के अंदर आखिर आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, आखिर माता रानी आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाली है आपके लव लाइफ में, स्वास्थ्य में, करियर में, पारिवारिक जीवन में, प्रत्येक क्षेत्र में विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि आने वाले दो दिनों का समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। सबसे पहले यह समय आपके जीवन में लाभ की स्थितियां खुलेंगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शुक्र यह समय आपके लिए लाभ की स्थिति दर्शा रहे हैं। तो दोस्तों लाभ के जो भी द्वार आपके जीवन में बंद हो गए थे, जहाँ पर आप पेशे फंस आए हैं, सबसे पहले आपको वहाँ से पेशा मिलने की आशंका बन रही है। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें कितना धन वहाँ से आएगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इस जगह से भी आपको कभी धन आएगा, लेकिन दोस्तों यह धन आपको मिलकर रहेगा। वो कहते हैं कि ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ स्थिति आप सभी के जीवन काल में आने वाले दो दिनों के अंदर बनने वाली है, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ऐसी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है। अगर कुछ लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें अपना हर एक काम समझाने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद आप ना करें, वे कभी नहीं मानेंगे। आपकी काफ़ी आप जो है इन दो दिनों में काफ़ी व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपको आने वाली जरूरतों के कारण पहले वाली योजनाओं में भी कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। स्थिति की मांग के अनुसार आप कार्य करें तो आप सभी के जीवन काल के लिए बहुत ज़्यादा अवश्य होंगे, बहुत ज़्यादा बेहतर भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि आने वाले जो समय होंगे, यह समय आप अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा तरक्की को प्राप्त करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इन दो दिनों में आपका कोई करीबी शायद आपके कारण भावनात्मक उथल पुथल के दायरे में है। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम से निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं और एक बार भी आपने सही से समझे बिना ही इस व्यक्ति का वफादार न होने का आरोप लगा दिया है। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप पहले शांति से बैठकर सही समय तक इंतजार करें और अच्छे से सोच लें। आपकी सेहत कुल मिलाकर अच्छी है, लेकिन जैसे तैसे काम के मामले में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी। आपको अपने स्वास्थ्य और खाने का और अधिक ख्याल रखना होगा। अपने खाने में सब तरह के विष्ठान आप शामिल रखें, खासकर ए, ई और सी शामिल करें। जी हाँ दोस्तों, ये सभी विटामिन आपके लिए बहुत ज़्यादा अवश्य होंगे। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। कई गिलास पानी भी पिए। जी हाँ दोस्तों, इससे आप पानी की कमी से बचेंगे और सक्रिय बने रहेंगे। दुख प्रमुख परिवर्तन आज आने वाले दो दिनों में या समय रिश्ते के मोर्चे पर संकेत दे रहा है। कुछ घटना या जानकारी आपको दिशा निर्देश देगी कि क्यों आपका साथी इस तरह से व्यवहार कर रहा था और इसके पीछे उसी मंशा क्या थी, और इस जानकारी के प्रकाश में आप अपने संबंधों का मूल्यांकन करने में भी सक्षम हो पाएंगे। अकेले व्यक्तियों को यह समय किसी का साथ मिल सकता है, पर सावधानी के साथ आगे बढ़ने की सलाह भी हम देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि जो समय होगा, आप पिछले कुछ दिनों में कुछ अधिक खर्च किए हैं जिसका आप अभी अदा नहीं कर पाते हैं या फिर आदि नहीं है। इसके उपरांत ही आप सभी को बता दें कि यह समय सतर्कता की अवस्था आपके अंदर रहेगी। आपके दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय बदलाव आएगा और आप अपने बजट को सख्त बनाने और धन संचय पर अधिक जोर देंगे। हालांकि आपको अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा कि आपका धन बर्बाद और खत्म तो नहीं हो रहा। जी हाँ दोस्तों, इसको प्रांति हम आप सभी को बता दें कि जो आप सभी के लिए समय होगा, जो आपके लिए दिनचर्या होगा, यह समय दोस्तों अत्यधिक काम की अपेक्षा की जाएगी। आप कुछ भी किस्मत के भरोसे या कोई छोटा सा भी काम किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हालांकि दिन के अंत में बहुत अच्छी खबर भी मिलेगी जो आपके प्रयास की सफलता से संबंधित होगी। जी हाँ दोस्तों, यह खुशखबरी आपके घर परिवार में ऐसी छाएगी कि घर परिवार के लोग आपका सम्मान करेंगे, घर परिवार के लोग आपके काम के लिए आपको वाहवाही देंगे, शाबाशी भी देंगे।
आप आसानी से अपना ध्यान कहीं एक जगह नहीं लगा पाते और इसीलिए ऐसे लोगों की बहुत प्रशंसा करते हैं जो फोकस कर पाने में क्षमता रखते हैं। अब समय आ गया है कि आप भी यह विशेषता सीखकर अपने जीवन में कार्यान्वित करें। आपको किसी महत्वपूर्ण काम पर फोकस करने की जिम्मेदारी मिलेगी, इसे हाथ से जाने ना दें। जी हाँ दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर योग करने की भी आप कोशिश करें। इनसे आपको काफ़ी अपने कार्यों में मदद मिलेगी। जो भी आपकी सफलता की चाह है उनमें आगे बढ़ने में यह आपको पूरा साथ देगा। आपके मुश्किल समय में आपके पीर ने आपकी काफ़ी प्रेरणा दी है जी हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ने की आपको हिम्मत भी दी है। आप सभी को बता दें कि आप इसके लिए उनका काफ़ी सम्मान भी करते हैं, लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के बीच गलतफहमी आ गई है और दूरी की यह खाई बढ़ती ही जा रही है। स्थिति को बिल्कुल भी खराब होने ना दें, आप संभाल लें। आप चाहेंगे तो इस स्थिति को आप यहीं पर रोक सकते हैं। बस आप शाम के समय शांति से बैठकर अपने प्रियजन से बात कर सकते हैं, अपने प्रेमी जन से बात कर सकते हैं। इसे मामला यहीं पर निपट जाएगा और फिर से माहौल बिल्कुल ही मधुर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपको अप्रत्याशित रूप से खोया धन भी मिल सकता है, आकस्मिक धन लाभ भी यशमय हो सकता है, क्योंकि ग्रह गोचर जो बन रहे हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। बहुत सारे जातक ऐसे कहते हैं कि ग्रह स्थिति तो बहुत ही अच्छी है पर हमें लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को यह बात बता दें कि यशमय भी आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी है, परंतु जो सावधानी हम आपको बता रहे हैं उनमें अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो दोस्तों अंत में आपको फायदा कैसे होगा, आप लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या आगे होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में आपको प्रत्यक्ष खोया हुआ धन मिल सकता है, जिससे आसानी से आप अपनी सभी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा कर पाएंगे। यह आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति को काफ़ी राहत प्रदान करने वाला होगा। हालांकि इस धन को बहुत ही बुद्धिमानी से खर्च करना होगा, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आपका ये धन खत्म या फिर कम हो जाए, लेकिन आपके दायित्वों का निर्वाह पूरा न हो पाए। आपको बचत के रूप में कुछ राशि रखनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर ये आपके काम आ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही आप सभी के लिए जो समय होंगे, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आप अपने आसपास के लोगों से अच्छी खासी सहायता और पहचान की उम्मीद रख सकते हैं। आप मजबूत आधार और आशावादिता से भरपूर हैं और नई परियोजनाओं के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन दोस्तों आप में अभी भी अच्छी परियोजना को पहचानने की क्षमता बरकरार है। इसके कारण आप केवल इन्हीं परियोजनाओं में निवेश करेंगे जो भविष्य में काफ़ी लाभकारी साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस उपरांत हम आप सभी को बता दें कि यह समय खास तौर पर ऊर्जा से भरे और स्वस्थ महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ हम आप सभी को बता दें कि अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग अपने लिए किसी फायदेमंद काम में करें। अगर आप पिछले कुछ समय से कोई काम टालते रहे हैं तो यह समय आसानी से उस काम को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है, ये जो दिन है, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दिन नया एक्सरसाइज कार्यक्रम शुरू करने से संबंधित है जी दोस्तों, या फिर आप एबोरशिश या फिर तैराकी जैसे कार्यकलापों में भाग ले सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, इनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जो आपके लिए समय होंगे, आपको अपने साथी के बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिससे आपको उसके बारे में राय बनाने में मदद मिलेगी। कुछ समय से आपका साथी आपको भ्रामक संकेत भेज रहा है, जो जानकारी यश में आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, उससे आप अपने साथी के तर्क को समझ पाएंगे कि क्यों उनका व्यवहार ऐसा था, और उससे की भविष्य की योजनाएं बनाने में आपको मदद मिलेगी। आप नवीन चीज़ों को ढलने के लिए आपको लचीला बनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत आप सभी को बता दें कि जो आपके लिए समय होंगे, आप पर अपने व्यक्तिगत और व्यवहारिक दोनों जीवन में भारी जिम्मेदारियां का भार है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको अपने समय का प्रबंधन उचित तरीके से करना होगा। हालांकि दोस्तों आपके सहकर्मी आपकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं अगर आप उनसे सहयोग की मांग करें, लेकिन अधिकता में कुछ न कहें, क्यों दोस्तों एक बिंदु से आगे वे आपको भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों,
आप में भविष्य की योजना बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी होगी। इसके उपरांत दोस्तों आने वाले जो आपके लिए समय होंगे, जो महत्वपूर्ण समय होंगे, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों यह समय फिलहाल अपने जीवन की केंद्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी संभव है कि आप उसे सुलझाने के लिए अपनी सामाजिक और वित्तीय जिम्मेदारियों से छुट्टी भी ले लें। हालांकि आपको यह समझना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आपके जल्दी मचने से इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। आपको धीरज से काम लेना होगा। ये आपके लिए और इस समय के लिए जो ग्रह गोचर बन रहे हैं इनके लिए आवश्यक होंगे। आपके लिए दोस्तों यह समय सरप्राइज होंगे, लेकिन चिंता न करें, यह सब अच्छे ही होंगे। कुछ ओआईसी चीज़ें जिनके होने का आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, आज वह चीज़ पूरी हो सकती है। जी दोस्तों, आप जिन प्रयासों को व्यर्थ मान चुके थे, आज उनका फल भी आप सभी को मिल सकता है यह समय। इसलिए रात दोस्तों और परिवार के साथ सेलिब्रेट करें। हो सकता है कि उनके पास भी आपके लिए कोई अच्छी खबर हो, बस आपको ध्यान देना है। घरों की स्थिति के कारण आपके रिश्ते में कल कुछ समस्याएं आई थी, लेकिन आज ये समस्याएं सुलती हुई दिखाई देंगे। आप शांत रहेंगे और समस्या को सुलझाने में भी आप सक्षम रहेंगे। हालांकि कल ये रिश्ता तनाव की परम अवस्था में था, यह एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और प्रतिबद्धता को नवीनकृत करने का समय है। जी दोस्तों, आप चुस्त, विश्वसनीय, दृढ़ और सक्रिय हैं। ये गुण आपको किसी भी साक्षात्कार में आगे रखने में आपकी मदद करेंगे। आप आज अगर किसी भी साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि अपनी शारीरिक भाषा पर ध्यान दें। यह समय सफ़ेद रंग आपके लिए शुभ होंगे और दोस्तों अपने कपड़ों के कुछ हिस्से में यह रंग आप बहुत ही अच्छी तरीके से पहने और ध्यान रखें। वित्तीय मामलों में यह समय औसत रहेंगे। यह समय संपत्ति खरीदने की अगर आप योजना बना रहे हैं, तो समय कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा होगा। कि दोस्तों ग्रह गोचर आपके पक्ष में है, तो लाभ आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके एक काम में आत्मविश्वास की झलक दिखेगी। कुछ समय पहले तक बहुत मुश्किलें दिखने वाली बाधाएं यह समय आसानी से पार हो जाएंगी। आपकी संवाद कुशलता अब पहले से बेहतर है और आप लोगों को इसके चलते विश्वास में लेकर अपनी बात समझा पाएंगे। दिन किसी मुश्किल परियोजना पर का काम करने का लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। आप सभी को बता दें कि इस बात की संभावना है कि आपको साझे प्रयोग की किसी चीज़ से त्वचा या फिर संक्रमण हो जाए, इसलिए अपने नहाने धोने तथा साफ सफाई की चीज़ों को ध्यानपूर्वक अलग तथा साफ सुथरा ही रखें। दरअसल दोस्तों, अब आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त साफ सफाई रखनी होगी। आपको अपनी आंखों को भी धूल मिट्टी से बचाना होगा, नहीं तो आंख में एलर्जी हो सकती है। समय ऐसे ग्रह गोचर बन रहे हैं जो इशारे मिल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। दिन जुनून के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। यह समय पिछले कुछ दिनों से बचाव की मुद्रा में थे और आपने प्रेम संबंधों में काफ़ी सीमित थे, पर आपको यह एहसास होगा कि ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको अपनी दीवानगी से भरा स्वभाव दिखाना होगा और आप अपने प्यार का खिलता हुआ देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत आप सभी को बता दें कि आपका साथी आश्चर्यचकित हो सकता है, लेकिन वो बड़े ही उत्साहित प्रतिक्रिया की मुद्रा में आपको जवाब देगी या देगा। इसके उपरांत दोस्तों आप सभी को बता दें कि एक दुर्लभ नौकरी का अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आ रहा है। यह विचार अपने ऊपर कुछ हद तक जोखिम भरा लगेगा, लेकिन आप उस पर कार्रवाई करते हैं तो आप अपने करियर को एक नया मोड़ दे सकते हैं। सुरक्षित और संकीर्ण रास्ते पर तुलना में यह समय जोखिम लेने के लिए है, ताकि जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं वह पूरा हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इसको प्रांति हम आप सभी को बता दें कि जो आपके लिए समय होंगे, जो दिनचर्या होंगे, बहुत ही खास है। आप हर किसी पर विश्वास करने के मूड में रहेंगे। इनका नुकसान यह है कि आप किसी ऐसे आदमी के साथ भी अपनी बातें साझी कर सकते हैं जो दिल से आपका भला नहीं चाहता। इसलिए पहले इस आदमियों के बारे में सही तरह से आप छानबीन कर लें। अगर आप पिछले कुछ समय से कार्यस्थल पर या फिर घर पर किसी से बातों से सहमत हैं,
तो यह समय दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए समय बहुत ही अच्छा है। घर और ऑफिस में भी लगातार तनावग्रस्त रहने से आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है और दोस्तों आपकी सोचने और स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता भी इससे प्रभावित हो रही है। आपको यह समझना होगा कि यह समय की जड़ आपकी हद तक एकरस हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, रूटीन की आदतें हैं, नियमित रूप से सुबह की सैर पर जाने से आपको फायदा होगा। इससे आपके शरीर और दिमाग में ताजगी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह समय इन प्यार के लिए उपयुक्त है। अपने प्रिय के लिए अपनी प्रशंसा और प्यार का इजहार उसके लिए कुछ स्पेशल करके करें। जी हाँ दोस्तों, और देखें कि दिन कैसे खास बन जाएगा। रोमांस की संभावना है। अगर आप अकेले हैं तो आज आपकी मुलाकात आपके प्यार से हो सकता है, या फिर आप किसी करीबी से नए सिरे से रोमांटिक तरीके से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रोजगार और आय के नए अवसर यश में आपको मिल सकते हैं। आप सभी को बता दें कि आपको आगे बढ़ने के काफ़ी अवसर मिलेंगे, जिसको लेकर आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा विकल्प आपके लिए अच्छा है, जिसे लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आज परिवार और कार्य क्षेत्र में संतुलन बिठाना मुश्किल हो सकता है और आप अपने कार्य क्षेत्र को परिवार की तुलना में ज़्यादा महत्व देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसको क्रांति आप सभी को बता दें कि जो समय होंगे, जो महत्वपूर्ण दिन होंगे, आप सभी के लिए काफ़ी लाभकारी भी रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह समय कुछ अनिश्चितता सा रहेगा। आपको संवेदनशील लोगों से बात करते हुए अधिक सावधान रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, यह समय सामना करने और फैसले लेने के लिए उपयुक्त है। आप जिन अनवांछित स्थितियों से बचना चाहते हैं, आपको उनमें खींचा हुआ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ कठोर निर्णय भी लेने होंगे, हालांकि आप दबाव में भी सही फैसले लेंगे। और दोस्तों, कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। युवा, दिखने का राज किसी सर्जन की चाकू में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मतलब किसी सर्जरी से युवा नहीं हुआ जा सकता। इसकी कुंजी अच्छा और संतुलित खाना है। आप पिछले कुछ समय से अपने लुक्स को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, लेकिन इसका समाधान काफ़ी आसान है। जंक फूड से दूर रहें, खूब फल सब्जियां खाएं और बहुत सारा पानी पिएं। बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के साथ आप एक्सपेरिमेंट न करें। जी हाँ दोस्तों, आपकी सेहत के लिए जो दिन है, जो समय है, बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं। तो आए दोस्तों, इसके उपरांत हम बात करते हैं कि आने वाले जो ये समय होंगे, जो दो दिन होंगे, यश में आपको आखिर कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए, जिनसे आने वाले ये दो दिन तो आपके लिए बेहतर होंगे ही, इसके साथ साथ दोस्तों आने वाले समय भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो और ईश्वर की भी असीम कृपा आपके ऊपर कैसे बना रहेगा। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो को आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में शुक्र ग्रह आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति में है, तो उन्हें खुश रखने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए। दोस्तों, शुक्र ग्रह जब अच्छी स्थिति में होते हैं तो लाभ देते हैं, और जब बुरी स्थिति में होते हैं तो बहुत भयंकर रोग भी दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ऐसे में आपको कौन से उपाय करना चाहिए, जिन्हें आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जब आप सभी का शुक्र खराब हो तो आपको पानी का ध्यान रखना है और अपने पत्नी या फिर किसी स्त्री का आपको सम्मान करना है। जी हाँ दोस्तों, किसी का सम्मान अगर आप नहीं करेंगे स्त्री वर्ग का, तो आपका शुक्र बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए इसमें शुक्र का आप बिल्कुल ही ध्यान रखें। अगर शुक्र खराब होता है तो दोस्तों व्यक्ति के जीवन काल में त्वचा संबंधित दाद खुजली का जो है रोग उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों यशमी, इस बात का आप बिल्कुल ही ध्यान रखें। इसको ध्यान दें दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि हर शनिवार को काले तिल, काली उड़द के काले कपड़े में बांधकर किसी गरीब व्यक्ति को दान करें। इस उपाय से पैसे से जुड़ी सभी समस्याएं आपकी जीवन से दूर हो जाएंगी और जो भी धनहानि आपके जीवन काल में होती रहते हैं दोस्तों, वह सब भी खत्म होंगे। मुट्ठी भर काले तिल को परिवार के किसी सभी सदस्यों के सिरे से आप सात बार उसार कर घर के उत्तर दिशा में फेंक दें, इनसे धनहानि बंद हो जाएंगी। जी दोस्तों, इसके उपरांत ही बुरे समय से आपको कैसे मुक्ति कर लेना है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार्य तो करते हैं लेकिन उनका समय ही खराब होता है, ग्रह गोचर ही खराब होते हैं, तो आपको क्या करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
का जाप करते हुए प्रत्येक शनिवार को दूध में काले तिल मिलाकर पीपल पर चढ़ाएं। इसे दोस्तों कैसा भी बुरा वक्त चल रहा हो वह दूर होगा, बस आप इनका ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी के जीवन काल में बहुत ज़्यादा टेंशन, परेशानी और बहुत ज़्यादा थकान रहता है, आपका भाग्य में जो चीज़ लिखा है वो भी आप सभी को नहीं मिलता है, तो अचानक से आप सभी का भाग्य चमक जाएगा। बस आप पानी में कपूर का तेल की कुछ बूंदें डालकर नहाएं, यह आपको तरोताजा तो रखेगा ही, साथ ही आपके भाग्य भी चमकाएगा। यदि इसमें कुछ बूंदें चमेली के तेल भी डाल लें तो इनसे राहु केतु और शनि का दोष भी नहीं रहता है। ऐसा आप शनिवार को ही करें, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों शुक्रवार के दिन तीन कुमारी लड़कियों को घर बुलाकर उन्हें प्रेम से पेट भरकर खीर खिलाएं। इसके बाद उन्हें वस्त्र दक्षिणा देकर पैर छूकर आशीर्वाद ले लें। दोस्तों ऐसा करने से माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न होती है और जो भी जातक के घर में धन संबंधी समस्याएं होती है वह दूर होती है और माता लक्ष्मी उन्हें धन देते हैं, और ऐसा आपको तीन शुक्रवार करना है। जी हाँ दोस्तों, इसको उपरांत आप सभी को बता दें कि अगर आपके पास पेशा नहीं टिकता है, आपके घर में पेशे की समस्या, धन की समस्या है या फिर कमाया हुआ धन भी घर में नहीं रुक रहा है, तो दोस्तों आपको अशोक की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और जहाँ आप रोजाना पूजा करते हैं उसको वहाँ रखें और इसकी रोजाना पूजा करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण उपाय जिनसे आप अपने जीवनकाल के सारे कष्टों को, धन संबंधित सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।